कांग्रेस ने वीरवार को फैसला किया कि वह संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना और जनहित के कई अन्य मुद्दे दोनों सदनों में उठाएगी। पार्टी के संसद मामलों के रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, मणिकम टैगोर और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। आज जो हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक कमेटी की मीटिंग हमारे कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में हुआ और हमने वहाँ पर हर विषय पे चर्चा की और एक घंटे तक हमने हर मुद्दे पे बातचीत की। करने के बाद एक नतीजे पे हम आए हैं, जो महत्व के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। पहला मुद्दा है कि LPG और प्राइस राइज, इसको जोड़ते हुए हम उसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे। उसके बाद में अग्निपथ स्कीम अब आर्मी रिक्रूटमेंट का है, जो सारे देश में बहुत बड़ा युवकों में एक हंगामा मचा हुआ है और बहुत युवा लोग चिंतित भी है, और हम उस सब्जेक्ट को भी वहाँ पर उठाना चाहते हैं। उसके अलावा और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो भी हम वहाँ पर प्रस्ताव करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ ये अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर्स, ये हमारे जो संघीय ढांचा है उसको भी वो लोग जो आज खराब कर रहे हैं, और उस फेडरल स्ट्रक्चर को भी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस विषय पे भी हम सदन में उस मुद्दे को भी चर्चा में लेना चाहते हैं। उसके बाद में ये फिस्कल क्राइसिस, जो हमारा रुपए का मूल्य घटा है डॉलर के मुकाबले में, और आज दिन ब दिन हमारी आर्थिक परिस्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है, इसीलिए उस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये माइनॉरिटीज़ पे जो अन्याय हो रहे हैं और हेट स्पीचेस जो चल रहे हैं, उस पे भी हम दोनों सदनों में इस मुद्दे को चर्चा में लाना चाहते हैं। उसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, और बहुत से जगह सरकार खुद उसमें अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके लोगों को, लीडरों को तंग करने का, हरेश करने का, सरकारें गिराने का वो काम कर रही है। उस ED को और CBI को लेकर वो काम भी कर रहे हैं, उस मुद्दे पे भी हम चर्चा चाहते हैं। उसके अलावा ये जो एक्सटर्नल थ्रेट है, जो चाइना का आजकल सब जगह हमारे एरिया में जो आक्रमण हो रहा है, उस इश्यू से भी हम आगे ले बढ़ाना चाहते हैं, हाउस में उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, जो पहले कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ज़मीन के रक्षा के लिए जो कानून लाए थे, उसको रूल्स के मुताबिक आगे करके वो डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, इन मुद्दों को
हम सभी ने चर्चा करके एक के बाद एक लेना और जो रूल्स हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर है बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स उसके मुताबिक हम वो रूल्स के मुताबिक ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और एक बहुत बड़ा इशू जो बैंकों का निजीकरण जिस ये 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए बैंक जो खोला था ये सरकार उसको उस निजीकरण को नेशनलाइजेशन को हटाकर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है उस बिल को भी हम विरोध कर रहे हैं और हम लड़ेंगे क्योंकि ये 27 बैंक से वो 22 तक लाए फिर 22 के घटाकर फिर अभी भी 20 पे ला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर वो ये चाहते हैं कि देश में एक ही बैंक रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये उनका मंशा है। एक तरफ तो बैंकों का जो निजीकरण हुआ ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था हो रहा है वो एक तरफ और जो नेशनलाइजेशन होकर लोगों को जो सहूलतें मिली थी वो छीनना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।